आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये दो शातिर अपराधी बेहद शातिर अंदाज में गैंगस्टर नीरज बवानिया के नाम पर रंगदारी वसूलने की कोशिश में थे। बाहरी जिला दिल्ली पुलिस उपायुक्त हरिंदर सिंह के मुताबिक एक जींस कारोबारी को गैंगस्टर नीरज बवानिया के गैंग की ओर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी वाली प्रोटेक्शन मनी की कॉल आई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जितेंद्र जोशी इंस्पेक्टर थाना रानीबाग, इंस्पेक्टर ललित कुमार SHO राजा पार्क, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर लॉ एंड ऑर्डर ASI देवेंद्र, हेड कांस्टेबल विजय, हेड कांस्टेबल पवन, हेड कांस्टेबल दानवीर, हेड कांस्टेबल नवदीप, कांस्टेबल संदीप और ACP मंगोलपुरी राजवीर के साथ साथ अमित वर्मा अपर के सुपरविजन में DCP ने एक टीम बनाई। आपको बता दें कि लगातार रंगदारी मांग रहे बदमाश अपनी लोकेशन बदलते रहे, लेकिन पुलिस टीम भी लगातार कोशिश करती रही और इसी बानगी में अजय उर्फ काला गांव सलाहपुर माजरा डबास, जो कि BA फाइनल ईयर का छात्र है, और दूसरा आरोपी आनंद, वो भी माजरा डबास दिल्ली का ही रहने वाला है, ये दोनों पुलिस के हाथ चढ़ गए। आपको बता दें कि आरोपी आनंद 1 साल पहले पीड़ित कारोबारी के पास ड्राइवर का काम कर चुका है। थाना रानीबाग के एरिया में हमारे एक बिजनेसमैन रहते हैं जो जींस की फैक्ट्री चलाते हैं। उनका यूनिट मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में भी है, कुंडली में भी है, साथ ही करोलबाग में उनकी शॉप्स भी हैं। 16 अप्रैल को उनको एक कॉल आई थी जिसमें कॉलर ने ना सिर्फ उनको थ्रेट किया था बल्कि 1 करोड़ रुपये प्रोटेक्शन मनी की भी मांग की थी और अपने आप को नीरज बवानिया गैंग का मेम्बर बताया था। कॉल आते ही हमने उनको थाने से PSO प्रोवाइड किया, उनके साथ हमारी पूरी टीम जुड़ गई। अलग अलग टीम बना के हमने कॉलर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, गैंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। नीरज बवानिया गैंग काफ़ी नोटोरियस गैंग है और उसके मेंबर्स इस तरह के कॉल करते भी रहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने गैंग के जो मेंबर्स जेल में हैं या जेल के बाहर हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू किया। साथ ही साथ इस एस्पेक्ट पे भी काम करना शुरू किया कि अगर ये गैंग इन्वॉल्व नहीं है तो और कौन हो सकता है। इन दोनों पहलुओं पे पैरेलल काम करते रहे। गैंग के लिए हमने अलग कार्रवाई की, साथ ही साथ बाद में भी जो उनको कॉल्स आते रहे उसको हमने रिकॉर्ड किया, मॉनिटर किया, उनकी वॉइस एनालिसिस की, बात करने का तरीका देखा। और मॉनिटरिंग के बाद जब कॉल आ रही थी तो उनको फिरौती के और रैनसम के प्रोटेक्शन मनी के नाम पे जो पैसे मांगे जा रहे थे उसके लिए उन्हें अलग अलग जगह पे बुलाया जा रहा था। हमारी टीम के लोग, उनका स्टाफ, उनका ड्राइवर बन के उन मौके पे जाते रहे, लेकिन वो गैंग सामने नहीं आया, कॉलर सामने नहीं आया। उनके वॉइस एनालिसिस और उनके बात करने के तरीके को जब हमने और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू किया तो 1-2 वर्ड्स ऐसे थे जो प्रोफेशनल कॉलर्स यूज़ नहीं करते हैं, जैसे अंकल जी। तो जो कॉलर था वो कई बार अंकल जी कह के बात कर रहा था। दूसरा, थ्रेटन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे और जो डिटेल्स बता रहा था वो जनरली गैंग के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे बिजनेसमैन के घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, गाड़ी कहाँ पार्क होती है, तथा घर के अंदर के बारे में भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उसने और प्रेशराइज करने के लिए यूज़ की जो कि यूजुअली बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। तो हमने इस एस्पेक्ट पे काम करना शुरू किया कि लगता है घर का ही कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोई रिलेटिव्स या फिर एम्प्लॉयज़, और उसको स्कैन करते हुए हमने उनके सारे एम्प्लॉयज़ को स्कैन किया, उनके बारे में पता किया। पता चला कि 1 साल पहले उनके पास एक ड्राइवर था जिनको इन्होंने काम से निकाल दिया था। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उनकी डिटेल्स हमने एनालाइज की और ये पता चला कि वो ड्राइवर सलाहपुर माजरा का है। जल्दी से बिना मेहनत पैसा कमाने की चाह ने इन दोनों शातिर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। आउटर जिला पुलिस की मुस्तैदी से नीरज बवानिया के नाम पर फैली दहशत का फायदा उठाना इन अपराधियों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से सिम और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है।
नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।